स्टार्टेड। हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो हम कंटिन्यू करते हैं डिटरमिनेंट में हमारा लेक्चर नंबर 3। तो आज हम देखेंगे कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स। देखो, वैसे तो मैंने तुम्हें बता दिया कि डिटरमिनेंट्स कैसे एवेल्युएट करते हैं, 2×2, 3×3 एंड फर्दर किसी भी ऑर्डर का, बट प्रॉपर्टीज का यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होगा कि जो हमारे बल्कि डिटरमिनेंट्स हैं वो सिंप्लीफाइड हो जाएंगे, एक रीज़न तो ये है। और दूसरा इंपॉर्टेंट रीज़न, प्रॉपर्टीज हम इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि जो बोर्ड एग्जाम है उसमें डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसे आता है कि इवेल्युएट दिस डिटरमिनेंट विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज, तो हम डायरेक्टली उसको एक्सपेंड नहीं कर सकते, उधर हमको प्रॉपर्टीज लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आज हम 7-8 प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द प्रॉपर्टी नंबर 1। प्रॉपर्टी 1, ठीक है। तो प्रॉपर्टी 1 क्या बोलती है कि हम किसी भी डिटरमिनेंट में रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर सकते हैं, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विल रिमेन द सेम। दोबारा एक बार सुनना ध्यान से, मैंने बोला हम डिटरमिनेंट में रोज को और कॉलम्स को इंटरचेंज कर सकते हैं, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विल रिमेन द सेम। तो पहले तो लिख लेते हैं, फिर इसको एक्सप्लेनेशन करता हूँ मैं। पहले लिखो इसको, इन अ डिटरमिनेंट रोज एंड कॉलम्स, रोज एंड कॉलम्स कैन बी इंटरचेंज। रोज एंड कॉलम्स कैन बी इंटरचेंज। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं 3×3 का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। लेट से मैंने लिखा दिस इज A1, लेट से ऐसे ले लेते हैं A, B, C, P, Q, R, X, Y, Z, ठीक है ना। लेट से दिस इज माई डेल्टा। तो ये प्रॉपर्टी क्या बोल रही है कि हम रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर सकते हैं। दैट मीन्स वॉट, कि मैं अभी जैसे मेरा ये Row 1 है, ये मेरा Row 2 है, ये Row 3 है, तो Row 1 मेरा Column 1 बन जाएगा। जो भी एलिमेंट्स Row 1 में है वो मैं Column 1 में लिखूंगा, और जो एलिमेंट्स मेरे Row 2 में है वो मैं Column 2 में लिखूंगा, एंड जो मेरे एलिमेंट्स Row 3 में है वो Column 3 में लिखूंगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, दिस डिटरमिनेंट इज सेम एज दिस वन। व्हाट एम आई राइटिंग नाउ? P, Q, R, X, Y, Z, ये बोल रहे हैं। ठीक है, प्रूफ भी एक ही लाइन का है। देखना कैसे करेंगे प्रूफ, देखना प्रूफ ध्यान से देखना। एक तरीका तो क्या है प्रूफ का, बिल्कुल दिमाग ना खर्च करते हुए, कि हम दोनों को इवेल्युएट करें। हम बता इसमें कितने टर्म्स आएंगे, जैसे अपन ने फर्स्ट लेक्चर में देखा था 6 टर्म्स आएंगे, 3+ के 3-के, वही 6 टर्म्स इधर आएंगे, तो हम फाइनल देख सकते, रिजल्ट विल बी सेम। और थोड़ा अच्छा तरीका और क्या होगा, जैसे कि मैं बता रहा हूँ देखना, जैसे एक मिनट के लिए मैंने इस डिटरमिनेंट को इवेल्युएट करता हूँ, Row 1 के थ्रू मैं इवेल्युएट कर रहा हूँ, तो व्हाट आई राइट, A into A का कोफैक्टर, दैट इज व्हाट, नथिंग बट इसको एलिमिनेट किया, इसको एलिमिनेट किया, यू विल गेट Q, Y, R, Z, और -1 की पावर आएगा 1+1 विच इज +1 ओनली। फिर मेरा आएगा ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव, तो फिर नेगेटिव आएगा -B × B का माइनस, तो P, X, R, Z एंड लास्टली +C × P, X, Q, Y, ठीक है ना। दिस इज वॉट माई दिस डेल्टा। अब मेरे को प्रूफ करना है कि ये वाला जो डेल्टा है वो भी इसी के बराबर है। तो अब देखो, हमने एक और चीज़ क्या देखी थी कि जो हम डिटर्मिनेंट्स इवेल्युएट करते हैं, दैट वी कैन इवेल्युएट विथ रिस्पेक्ट टू Row 1, Row 2, Row 3, Column 1, Column 2, Column 3, हमारे पास 6 ऑप्शन है 3×3 डिटर्मिनेंट्स के लिए। तो इसके लिए तो मैंने ओपन किया विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में लिखा, Row 1 के, इधर लिख लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू Row 1, चलो ऐसे लिख लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू Row 1। अब मैं क्या कर रहा हूँ इसको, मैं अब मुझे पता है डिटरमिनेंट तो हम किसी भी रो या कॉलम के थ्रू इवेल्युएट करें, डिटरमिनेंट विल रिमेन द सेम, वैल्यू विल रिमेन द सेम। तो अब मैं इसको Column 1 के थ्रू एक्सपेंड कर रहा हूँ, तो मैं क्या लिखूंगा देखना, A into, फिर ए जिस रो और कॉलम में वो हटाया, तो यू आर लेफ्ट आउट विथ क्यू, एक मिनट जस्ट अ सेकेंड जस्ट अ सेकेंड हाँ करेक्ट है, तो क्यू आर जस्ट अ मिनट Y Z, Q R Y Z, जस्ट अ सेकेंड, इधर मैंने लिखा ए हटा Q Y R Z, ठीक है। फिर मेरा आएगा -B × PR, जस्ट अ सेकेंड, -B × PR XZ,
एक्स जेड एंड लास्टली प्लस सी टाइम्स पी क्यू एक्स वाई। अब देखो मुझे बताना है कि ये दोनों बराबर है या नहीं है। तो इसके प्रूफ के लिए हम एक काम करते हैं, थोड़ा हेल्प ले लेते हैं 2x2 डिटरमिनेंट्स का, ठीक है ना। 2x2 में क्या करेंगे हम, जैसे मैं 2x2 का फॉर एग्जांपल एक इस, क्योंकि इस या तो एक काम कर सकते हैं ऐसे डायरेक्टली हम यहाँ से भी बोल सकते हैं, जैसे ये ए ए सेम है और इफ़ यू वैल्यूएट दिस पार्ट व्हाट इज दिस qz माइनस वाई आर तो सेम आ रहा है। सिमिलरली दिस ये भी सेम आएगा, सिमिलरली ये भी सेम आएगा। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि 2x2 के लिए हम पहले प्रूफ कर देते हैं कि 2x2 में ये प्रॉपर्टी लगती है और फिर डायरेक्टली बोल देंगे, क्योंकि इसमें क्या किया है बेसिकली ये 2x2 के डिटरमिनेंट में ये रो ये कॉलम बन गया, ये रो ये कॉलम बन गया, ठीक है। या फिर डायरेक्टली ये काम करो, 2x2 की हेल्प मत लो तुम, तो डायरेक्टली बोलो कि ये जो पार्ट है दिस इज नथिंग बट qz माइनस ry और सिमिलरली दिस इज ऑल्सो qz माइनस ry, हेंस दीज टू विल बी इक्वल, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लो, कॉपी करो। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। तो पहला प्रॉपर्टी हो गया कि हम रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर सकते हैं। अच्छा, इससे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन क्या निकला कि जैसे अब जो भी हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे ना, अभी जो भी हम अभी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, तो मैं उधर बार बार नहीं बोलूँगा कि रो और कॉलम के लिए एप्लीकेबल है। अगर कोई प्रॉपर्टी रो के लिए एप्लीकेबल है तो वो कॉलम के लिए होगी ही होगी। क्यों होगी? विद हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी वन, क्योंकि उसने बोला रोज और कॉलम को तो इंटरचेंज कर सकते हैं। अगर मैंने बोला कि फॉर एग्जांपल एक डिटरमिनेंट है, उसमें रोज में मान लो मैंने बोला कि ये प्रॉपर्टी लग रही है, तो उस डिटरमिनेंट में हम जो रो है उनको कॉलम बना देंगे और फिर बोल देंगे कॉलम में भी लग रही है, ठीक है ना। तो वॉट एवर प्रॉपर्टी नाउ वी आर गोइंग टू लर्न दैट इज एप्लीकेबल फॉर रोज एज वेल एज कॉलम। अगर मान लो वैसे मैं स्पेसिफाई कर दूंगा, और अगर नहीं भी करूं, बाय डिफॉल्ट इट इज अंडरस्टूड कि अगर मैंने रो लिखा है तो मतलब कॉलम भी है, ठीक है बच्चों। चलो अब आते हैं प्रॉपर्टी टू, तो मैं इसको हटा ही देता हूं पूरा। प्रॉपर्टी टू क्या बोलती है कि अगर कोई डिटरमिनेंट है उसका कोई भी रो या कॉलम, सुनना ध्यान से, कोई भी रो या कॉलम पूरा जीरो है, एंटायरली जीरो है, देन वैल्यू ऑफ दैट डिटरमिनेंट विल बी जीरो, ठीक है ना। दोबारा एक बार मैंने बोला, अगर किसी डिटरमिनेंट में एक कोई भी रो, तीनों रो में से कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम जीरो है, एंटायरली जीरो, मतलब उस रो या कॉलम के सारे एलिमेंट जीरो हैं, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विल बी जीरो। तो इसको लिख लेते हैं पहले, फिर हम समझते हैं। इफ एनी रो, अच्छा मैं स्लैश करके लिख लेता हूँ कॉलम, बाकी मैंने तुम्हें स्टेटमेंट बोल दिया था कि अगर प्रॉपर्टी रो के लिए एप्लीकेबल है तो वो बाय डिफॉल्ट कॉलम के लिए भी एप्लीकेबल होगी यूजिंग प्रॉपर्टी वन, बट फिर भी मैंने था लिख दिया इफ एनी रो और कॉलम इज एंटायरली जीरो, अगर कोई रो और कॉलम एंटायरली जीरो है, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, मैं डेल्टा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, तुम लोग पूरा लिख लेना, देन द वैल्यू ऑफ डेल्टा विल बी जीरो। इसको समझना तो बहुत ही आसान है। कैसे आसान है? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने रो वन को जीरो ले लिया, अब मैं इधर कुछ भी लिखूँ, लेट से 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो अब मैं क्या करूँगा इसको समझाने के लिए। वैसे तो हम किस डिटरमिनेंट को किसी भी रो या कॉलम के थ्रू इवेल्युएट कर सकते हैं, बट इस पर्टिकुलर सिनेरियो में मैं ये प्रॉपर्टी एक ही स्टेप में क्लियर हो जाए प्रूफ, तो मैं क्या करूँगा रो वन के थ्रू ओपन करूँगा, तो क्या लिखूँगा 0 into इसका कोफैक्टर प्लस माइनस 0 into इसका कोफैक्टर प्लस 0 into इसका कोफैक्टर। तो यू कैन सी अब अंदर कुछ भी लिखा हो कोफैक्टर में, जीरो से मल्टीप्लाई है, तो ये भी जीरो, ये भी जीरो और ये भी जीरो, तो फाइनली व्हाट वी आर गेटिंग दिस एज जीरो। तो क्या समझा हमने कि अगर किसी भी डिटरमिनेंट में अगर कोई भी एक रो एंटायरली जीरो हो या कॉलम एंटायरली जीरो हो तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू विल बी जीरो, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टी है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 3 पे, ठीक है। बहुत इजी चीज़ है, बट प्रूफ वगैरह पे भी ध्यान देना, ठीक है ना। ऐसे प्रॉपर्टी तो तुम्हें कहीं मिल जाएंगी, बट एक्सप्लेनेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना। चलो अब आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 पे। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या बोल रही है कि अगर किसी डिटरमिनेंट में, सुनना ध्यान से, अगर किसी डिटरमिनेंट में कोई भी दो रो या दो कॉलम सेम हो, मैंने क्या बोला, रो और कॉलम सेम नहीं बोल रहा हूं मैं, या तो दो रो सेम हो या दो कॉलम सेम हो, तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू विल बी जीरो। पहले लिख लेते हैं फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। इफ एनी टू रोज
अब मैं इधर स्लैश करके कॉलम भी लिख रहा हूँ बिकॉज दिस इज एप्लीकेबल फॉर कॉलम्स ऑल्सो. तो इफ एनी टू रोज या कॉलम्स आर आइडेंटिकल देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट मैं डेल्टा लिख रहा हूँ इज जीरो. मैंने बोला अगर कोई भी दो रो या कॉलम एंटायरली सेम होंगे आइडेंटिकल होंगे देन द वैल्यू ऑफ दैट डिटर्मिनेंट विल बी जीरो. कैसे? चलो इसको प्रूफ करते हैं. देखना इसको प्रूफ करने के लिए पहले तो मैं 2x2 के लिए बता देता हूँ. ठीक है ना. फॉर एग्जाम्पल 2x2 तो बहुत ही आसान हो जाएगा. जैसे ए बी और इधर भी आएगा ए बी. मैंने दोनों रो आइडेंटिकल ले ली तो यू कैन सी कि इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी ए इन टू बी माइनस ए इन टू बी एंड दैट इज नथिंग बट जीरो. तो 2x2 के लिए तो सिंपल है. मेन आएगा हम 3x3 पे जाते हैं. तो अब देखना 3x3 के लिए मैं लेट से मैं ये ले लेता हूँ ए बी सी और इधर ले लिया मैंने एक्स वाई जेड. ध्यान से देखना मैं क्या लिख रहा हूँ. प्रूफ बता रहा हूँ. देखो एक तरीका तो क्या है, बिल्कुल दिमाग खर्च नहीं करना, जिसमें हमें इसको इवेल्युएट करो पूरा जैसे हम प्रोसीजर से करते हैं और फाइनली यू विल गेट जीरो. बट दैट इज़ नॉट अ करेक्ट वे ऑफ प्रूविंग. प्रूफ तो ऐसा होना चाहिए थोड़ा सा मतलब ट्रिकी टाइप होना चाहिए. तो अब सो दैट कि मुझे पूरा लास्ट स्टेप तक इवेल्युएट ना करना पड़े, मैं एक आध दो स्टेप करूँ और इंटरमीडिएट में ही बोल दूँ कि हाँ भाई प्रूफ हो गया. ध्यान से सुनना. तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, वैसे तो मैं इसको इस वाले डिटर्मिनेंट को किसी भी रो या कॉलम के थ्रू इवेल्युएट कर सकता हूँ, बट जो कि मुझे अगले ही स्टेप में प्रूफ करना है, एक ही स्टेप में प्रूफ करना है कि ये डिटर्मिनेंट जीरो है. तो मैं क्या कर रहा हूँ, आई विल इवेल्युएट इट विद रिस्पेक्ट टू रो थ्री क्यों ले रहा हूँ मैं, क्योंकि रो वन और रो टू आइडेंटिकल है. और अब मैं इसके प्रूफ में इसका हेल्प लूंगा, 2x2 डिटर्मिनेंट का हेल्प लूंगा. कैसे? अब देखो मैं इसको इवेल्युएट कर रहा हूँ, ओपन कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू रो थ्री. तो क्या लिखूंगा, एक्स इंटू इसका कोफैक्टर, तो ये हो जाएगा बी बी सी सी. फिर माइनस वाई इंटू ये गया ए सी सी ए सी सी एंड लास्टली प्लस जेड इंटू ए बी बी. तो अब समझ में आया मैं ऐसे रो थ्री से ही क्यों इवेल्युएट किया, करने में तो करना मतलब करना ही होता तो मैं रो वन और रो टू से भी कर सकता था. बट उसके लिए क्या होता, मुझे आखिरी स्टेप तक जाना पड़ता जीरो दिखाने के लिए. बट इस अगर मैंने रो थ्री के थ्रू इवेल्युएट किया ना तो मुझे आखिरी स्टेप तक नहीं जाना पड़ रहा. मैं अब इसी स्टेप पे बोल सकता हूँ दैट दिस वैल्यू विल बी जीरो. क्यों? विद द हेल्प ऑफ दिस 2x2. कि अगर 2x2 में दोनों रोज आइडेंटिकल है देन वैल्यू ऑफ डेल्टा इज जीरो. यू कैन सी कि एक्स इंटू दिस इज जीरो, अगेन वाई इंटू दिस इज अगेन जीरो एंड सिमिलरली जेड इंटू दिस इज अगेन जीरो. तो वी आर गेटिंग जीरो. समझ में आया इंपॉर्टेंट चीज कि मैंने रो थ्री से ही क्यों इवेल्युएट किया, करने में तुम R1 और R2 से भी कर सकते थे. ठीक है ना. तो बट हमें फिर उसके लिए आखिरी स्टेप तक जाना पड़ता, तो इससे हमारा टाइम बच गया. तो दिस इज बेटर वे ऑफ प्रूफिंग. आई होप क्लियर हुआ होगा. ठीक है ना. चलो अब आते हैं हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज प्रॉपर्टी नंबर 4. तो वीडियो पॉज करो और इसको कॉपी करो. ठीक है. आज हम प्रॉपर्टीज कंप्लीट करेंगे और कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी करेंगे. ठीक है. अगेन प्रॉपर्टीज जो है पूरा मतलब ये समझ लो डिटर्मिनेंट्स का ब्रह्मास्त्र है. मतलब विदाउट प्रॉपर्टीज यू कैन नॉट अटेम्प्ट गुड लेवल क्वेश्चंस, एडवांस लेवल के क्वेश्चंस विदाउट प्रॉपर्टीज हो ही नहीं सकते सॉल्व. ठीक है ना. क्योंकि वो अगर प्रॉपर्टीज नहीं लगाओगे ना तो अगर डायरेक्टली तुमने डिटर्मिनेंट ओपन कर दिया जो कि हमने अभी प्रीवियस क्लास तक पढ़े थे तो वो बहुत बल्कि हो जाएगा और मिस्टेक करने के बहुत चांसेस होंगे और हो सकता है आंसर आए भी ना. ठीक है. सो यू हैव टू यूज़ द प्रॉपर्टीज. और जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि बोर्ड में तो वो मेंशन कर देते हैं कि इवेल्युएट दिस विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज, तो उधर तो डायरेक्ट ओपन कर ही नहीं सकते डिटर्मिनेंट को, प्रॉपर्टीज लगाना ही पड़ेगा. ठीक है. ओके तो नाउ लेट्स मूव टू द प्रॉपर्टी नंबर 4. ठीक है. तो प्रॉपर्टी 4 क्या बोल रहा है कि हम किसी भी रो या कॉलम में से ना अगर कुछ फैक्टर कॉमन आ रहा है तो दैट वी कैन टेक इट आउटसाइड. सुनना ध्यान से, फ्रॉम एनी रो या कॉलम वी कैन टेक अ फैक्टर आउटसाइड द डिटर्मिनेंट. पहले लिख लेते हैं फॉर्मली, उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन देता हूँ. तो लिख लो इधर, फ्रॉम माय रो अगेन या फिर कॉलम, फ्रॉम अ रो या फिर कॉलम अ फैक्टर, अ कॉमन फैक्टर कैन बी टेकन आउटसाइड, कैन बी टेकन आउटसाइड द डिटर्मिनेंट. ठीक है ना.
from a row or a column, a common factor can be taken outside the determinant. For example, इसको हम शॉर्ट नोटेशन से भी समझेंगे, पहले नॉर्मल मेथड बता रहा हूँ. तो लेट्स से मेरा ये लिखा है 2, 4, 6, 1, 3, 5 ले लिया 2, 3, 1 चलो ऐसे ले लिया, ठीक है ना. ओके तो अब ये क्या बोल रहा है प्रॉपर्टी, कि अगर किसी भी रो या कॉलम में से ना हम कोई भी फैक्टर कॉमन ले सकते हैं, ठीक है ना. तो फॉर एग्जाम्पल इन दिस पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट अब दिख रहा है हमें, अच्छा हम कर क्यों रहे हैं ऐसा, लेंगे क्यों. जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, पहले लेके बताता हूँ. मैंने कहा मैं रो वन में से मुझको दिख रहा है कि रो वन टू का मल्टीपल है, तो आई एम टेकिंग इट आउटसाइड. तो टू आई कैन टेक इट टू आउटसाइड एंड आई राइट हियर 1, 2, 3 एंड हियर इट इज 1, 3, 5 एंड हियर इट इज 2, 3, 1. वो बोल रहा है कि ऐसा कर सकते हैं, ठीक है. अच्छा अब कोई बोलेगा ऐसा करते क्यों है. द रीज़न इज कि हमें क्या चाहिए, हमें फाइनली डिटरमिनेंट निकालना है, फाइनल आंसर. तो हमें इवेल्युएट तो करना ही पड़ेगा, ओपन तो करना ही पड़ेगा, ठीक है. हम कुछ प्रॉपर्टीज लगा देंगे, उसके बाद आखिरी में ओपन करेंगे. तो कैलकुलेशन कम कब होगा, जब अंदर के जो नंबर्स दे रखे ना ये थोड़े छोटे नंबर्स हो. तो अब कॉमन लेने से क्या हो गया, ये 2, 4, 6 जो नंबर बल्कि थे कैलकुलेशन वाइज जो हमारा बल्किनेस बढ़ा रहे थे वो छोटे हो गए 1, 2, 3. तो दिस इज द रीज़न वाई वी आर टेकिंग फैक्टर आउटसाइड, ठीक है. अब कोई बोलेगा सर इसमें से ले सकते हैं क्या कॉमन, बिल्कुल ले सकते हैं. तो कोई बोलेगा सर इसमें तो कोई मल्टीपल है ही नहीं, तो हम बना सकते हैं ना इसको मल्टीपल. फॉर एग्जांपल दिस कैन आल्सो बी रिटर्न एज, देखना मैं क्या लिख रहा हूँ, हम किसी भी रो या कॉलम में से कुछ भी फैक्टर कॉमन ले सकते हैं. अच्छा और एक चीज़ और, 22 से बरसा मतलब कुछ बाहर लिखा है तो उसको हम उस पर्टिकुलर नंबर को हम किसी भी रो या कॉलम में भेज भी सकते हैं, ठीक है ना. उससे पहले मैं क्या बता रहा हूँ, एक मिनट इसमें से कॉमन लेता हूँ मैं, देख कॉमन लेके बता रहा हूँ. तो इसमें पहले तो मैंने 2, 4, 6 ले लिया, लिख लिया एज इट इज. अब मैं इसमें से 2 कॉमन ले रहा हूँ, तो ठीक है कोई बात नहीं, जबरदस्ती कॉमन ले लेते हैं. तो इधर क्या हो जाएगा 1/2, इधर हो जाएगा 3/2, इधर 5/2, कोई दिक्कत नहीं, दोनों डिटर्मिनेंट सेम रहेंगे. कोई बोलेगा कि सर दो रो में से ले सकते हैं एक साथ, बिल्कुल ले सकते हैं, मतलब मैंने इसमें से 2 ले लिया ऊपर वाले से भी 2 ले लेता हूँ. तो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू, इधर से मैंने 2 ले लिया तो ये 4 हो गया, इधर हो गया 1, 2, 3, बोथ आर इक्वल. कोई बोलेगा इधर से 3 ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, तो मैं इधर 3 आ जाएगा, फिर हो जाएगा 2/3, 3/3, 1/3, कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है. और 22 से बरसा मतलब ये नंबर मैं अंदर भी भेज सकता हूँ किसी भी रो या कॉलम में, और ऐसा भी हो सकता है रो से निकालूं कॉलम में भेजूं. फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अभी ये वाला डिटरमिनेंट है, इसमें मैंने क्या किया, रो 1 से 2 बाहर लिया, अब मैं 2 को अंदर भेज रहा हूँ बट कॉलम में भेजना चाह रहा हूँ, ठीक है कोई दिक्कत नहीं. यही बहुत जगह यूज होगा आगे, जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होंगे उसमें क्या करेंगे, हम कुछ फैक्टर रो में से कॉमन लेंगे और फिर कॉलम में भेज देंगे. ऐसा करेंगे क्यों वो जब बताऊंगा, बट ऐसा करेंगे. क्या दोबारा एक बार, कि हम कुछ फैक्टर रोज में से कॉमन ले रहे हैं और उनको भेज कॉलम में रहे हैं. जैसे फॉर एग्जांपल मैं इधर भेज रहा हूँ, अब लेट्स से मैं C1 में भेज देता हूँ इसको, तो C1 में भेजूंगा तो जो बाहर 2 लिखा है ना इसको मैं C1 में भेज रहा हूँ, ये रहेगा 2, 2, 4 और ये रहेगा 2, 3, 3 एंड दिस इज 3, 5, 1, बोथ विल बी सेम. अभी तक मैंने एक्सप्लेनेशन प्रूफ नहीं दिया है, प्रूफ भी दूंगा अभी मैं, आई विल गिव द प्रूफ ऑल्सो, डोंट वरी फॉर टाइमिंग, अभी समझ रहे हैं, ठीक है क्लियर हुआ. अब जैसे मैंने इधर एक चीज़ और, जैसे अब मैंने 3 और 4 ले तो लिए, इधर से 2 लिया था, इधर से 2 लिया था, इधर से 3 लिया था. अब ऐसा भी कर सकते हैं, लेने के बाद हम ये नंबर जो है ना बाहर जो नंबर है इसको कैसे भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, कैसे भी से मेरा मतलब है, लेट्स से ये 12 लिखा है ना, मैं 12 को रो 1 में ले जा रहा हूँ, तो आई कैन फर्दर राइट इट एज 12 को मैं रो 1 में ले जाके ये 12 हो गया, 12 2 24, 12 3 36 और दैट इज एट इज 1/2, 3/2, 5/2, 2/3, 3/3 मतलब 1 एंड 1/3, दीज विल बी इक्वल. देखो करने में तो हम कोई भी फैक्टर किसी से भी कॉमन लेके कहीं भी भेज सकते हैं, बट हमारा हम ये करेंगे नहीं, ऐसा नहीं करेंगे इस वाले को, ये तो करेंगे ऐसा नहीं करेंगे. क्यों, क्योंकि इधर क्या है फ्रैक्शन में चीज़ें आ रही हैं, तो फ्रैक्शन में चीज़ें होंगी तो और कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेट होगा, ठीक है ना. बट कर सकते हैं जरूरत पड़ी तो, बट दिस वी विल अवॉइड, कि हम इस तरीके से कॉमन नहीं लेंगे कि अंदर कुछ फ्रैक्शंस बन जाए तो और कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, क्योंकि हमारा टास्क तो क्या है सिंप्लीफाई करना, और हम उसको कॉम्प्लिकेट थोड़ी बनाएंगे, ठीक है ना. आई होप क्लियर हुआ होगा ये. चलो अब इसको पहले समझ लेते हैं एक्सप्लेनेशन, पहले इसको कॉपी कर लो एग्जाम्पल को, ठीक है. अब इसको समझते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है, हाउ वी मतलब कॉमन लेने पे वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट सेम क्यों हो रहा है वो समझ रहे हैं, ठीक है ना. इसको समझने के लिए क्या किया अपन ने, चलो पहले तो मैंने वही वाला लिख दिया कि कॉमन लेके मैंने क्या लिखा 2 और ये हो गया 1, 2, 3, 1, 3, 5
2, 3, 1, ठीक है ना। मैं बोल रहा हूँ ये दोनों सेम होंगे, हम प्रूव कर रहे हैं। तो लेट्स से मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ रो वन के थ्रू। अच्छा, मैं एक्सप्लेनेशन भी ऐसे दे रहा हूँ, मतलब कर तो किसी भी रो या कॉलम से सकते हैं, बट इसमें से कॉमन लिया ना, तो मैं इसी के थ्रू ओपन कर रहा हूँ। तो क्या होगा, हमें पूरा फाइनल एक्सप्रेशन निकालने की जरूरत नहीं, फाइनल वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। एक तरीका तो है ऑफकोर्स कि हम इसको पूरा सॉल्व करें, एक वैल्यू आ जाएगा, लेट्स से 5 आ गया, इसको इवैल्यूएट करें तो भी 5 आएगा, तो फिर हम शो कर दें कि दोनों इक्वल है। बट दैट इज़ नॉट अ गुड वे ऑफ प्रूफिंग। हम इधर एक ही स्टेप में प्रूफ करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। फॉर दैट रीजन आई एम इवैल्यूएटिंग दिस विद रिस्पेक्ट टू रो वन। तो देखना, 2 into इसका कोफैक्टर, तो क्या हो जाएगा 3, 5, 3, 1, फिर माइनस 4 टाइम्स ये गया 1, 2, 5, 1, फिर अपना हो गया प्लस 6 टाइम्स 1, 2, 3, 3। दिस इज व्हाट इवैल्यूएटिंग दिस, इवैल्यूएशन ऑफ दिस। अब मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, तो अब देखना इसको 2 टाइम्स, अब 1 into फिर ये गया 3, 3, 5, 1, माइनस 2 ट्वाइस ऑफ ये गया 1, 2, 5, 1, एंड लास्टली स्पेस है इधर प्लस 3 टाइम्स 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 3। नाउ यू कैन सी इन दिस स्टेप इटसेल्फ कि बोथ आर इक्वल ओनली। कैसे इक्वल है, ये 2 इन तीनों नंबर से मल्टीप्लाई, तो 2 into 1, 2 विच इज 2 टाइम्स, और ये तो देखो सेम ही है, सी दिस पार्ट इज सेम। सिमिलरली 2 into -2, -4 टाइम्स, तो -4 टाइम्स दैट सेम, 2 cross 2, देन 2 into 3, 6 टाइम्स 1, 2, 3, 3, 6 टाइम्स 1, 2, 3, 3, हैंस प्रूफ, ठीक है ना। चलो तो पॉज करो वीडियो, इसको कॉपी कर लो। चलो अब मैं एक काम करता हूँ, इसका शॉर्ट नोटेशन और बता देता हूँ, ठीक है ना। जो कि क्या होगा कि जैसे बार बार पूरा रो हमें कॉपी ना करना पड़े, कॉलम कॉपी ना करना पड़े, तो एक शॉर्ट नोटेशन में इसके थ्रू बता देता हूँ, ठीक है ना। तो शॉर्ट नोटेशन क्या है कि इस डिटरमिनेंट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे देखना, ऐसे अलग से लिख लो, तुमने किसी प्रॉपर्टी में ऐड कर लो, नहीं तो अलग से लिख लो शॉर्ट नोटेशन, ठीक है ना। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं रो 1, रो 2, रो 3, दिस इज द शॉर्ट नोटेशन। सिमिलरली आई कैन राइट दिस ऑल्सो ऐसे, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, दिख रहा है ना। रो 1 मतलब ऐसे में लिखेंगे, तो रो 1 मेरा किसको करस्पॉन्ड करेगा, 2, 4, 6, एंड रो 2 विल बी 1, 3, 5, एंड रो 3 विल बी 2, 3, 1, ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो यू कैन सी कि अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ तो R1 को मेरे को ऐसे ही लिखना पड़ेगा, तो यही बन जाएगा, तो दिस इज शॉर्ट नोटेशन। सिमिलरली कॉलम 1 लिखना है मुझे, तो कॉलम 1 को लिखूँगा 2, 1, 2, दिस इज कॉलम 2 इज 4, 3, 3, एंड दिस इज 6, 5। तो शॉर्ट नोटेशन याद रखना थोड़ा, ठीक है ना, क्योंकि अभी मैं कुछ प्रॉपर्टीज आगे भी आएंगी, तो उधर मैं शॉर्ट नोटेशन यूज़ करूँगा टू मेक इट फास्ट, ठीक है ना। अच्छा, अब जैसे अपन इस प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे, फ्रॉम अ रो वी कैन टेक अ फैक्टर कॉमन, ठीक है ना। तो उसको मैं शॉर्ट नोटेशन से कैसे बता रहा हूँ, देखना, मैंने लिखा इधर ऐसे लिखा 2R1, 3R2, और लेट्स से 4R3, मैंने ऐसे लिखा, ठीक है ना। तो मैं इसको, अब देखना, मैंने क्या बताया कि कोई भी फैक्टर हम किसी भी रो या कॉलम से हम कॉमन ले सकते हैं, तो मैं 2 इधर से कॉमन लिया, तो आई कैन राइट दिस इज एज 2 टाइम्स, इधर R1 से लिया हूँ, और R2, R3 को नहीं छेड़ा मैंने, मतलब रो 2 और, तो ये एज इट इज 3R2, 4R3। अब कोई बोलेगा सर 3 को ले सकते हैं, हाँ अभी 3 को ले लो, या फिर एक काम करो 2 को अंदर भेज के फिर 3 को ले लो, तो नहीं तो मैं एक काम करो 3 को ही बाहर ले लेता हूँ, ये हो गया 2 into 3, 6, इधर हो गया R1, R2, 4R3। अब कोई बोलेगा कि सर 4 को भी ले सकते हैं, तो 4 को भी ले लो, तो ये हो गया 24। अब कोई बोलेगा 24 को अंदर भेज सकते हैं, बिल्कुल भेज सकते हैं, तो हम 24 को डिस्ट्रीब्यूट करके ही भेज सकते हैं, जैसे 12 और 2, तो 12 इसको दे दिया, 2 इसको दे दिया, तो तुम लिखते जाना, मैं रब करके इधर ही बता रहा हूँ, तो 12 और 2, तो इधर 12 लिख लिया, इधर 2 लिख दिया, ठीक है। तो हम कुछ भी फैक्टर किसी भी रो या कॉलम में से कॉमन ले सकते हैं। आई होप मैंने बहुत एम्फोसाइज कर दिया इस प्रॉपर्टी पे, ठीक है ना। अच्छा, एक काम करते हैं, कॉलम को और देख लेते हैं। जैसे ये कॉलम है, तो मैंने ऐसे कॉलम लिखा 2C1, 3C2, 5C3, लेट्स से, तो दिस इज फर्दर रिक्वेस्ट टू आई कैन टेक 2, 3, 5, कोई भी कॉमन ले सकते हैं, 2 एक साथ ले सकते हैं, 3 एक साथ ले सकते हैं, लेट्स से मैं 2 और 5 को ले रहा हूँ, तो ये हो गया 10 times C1, 3C2, C3, और मैं ये 10 को बीच को भेज देता हूँ, तो दिस इज C1, 30C2 and C3। तो कोई भी फैक्टर हम कॉमन ले सकते हैं या फिर अंदर भेज सकते हैं,
डिपेंडिंग अपॉन जरूरत क्या है, वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा। ठीक है, आई होप क्लियर हुई होगी ये प्रॉपर्टी। चलो तो वीडियो पॉज करो और इसको कॉपी करो। ठीक है, तो हमने चार प्रॉपर्टी पढ़ ली हैं, ठीक है ना, और अभी तीन चार प्रॉपर्टी और बाकी हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे, ठीक है ना, बेस्ड ऑन दीज प्रॉपर्टीज। एक बार क्विक रिव्यू, ठीक है ना, एक बार तुम लोग भी वीडियो पॉज करके एक बार माइंड में रिकॉल करो जो भी हमने चार प्रॉपर्टीज पढ़ी, मैं एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ। ठीक है ना, पहला प्रॉपर्टी क्या था कि हम किसी भी डिटरमिनेंट में रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर सकते हैं, डिटरमिनेंट का वैल्यू विल रिमेन द सेम। ठीक है, दूसरा प्रॉपर्टी क्या था कि अगर किसी भी डिटरमिनेंट में एंटायरली एक रो या एंटायरली एक कॉलम जीरो हो तो वैल्यू ऑफ दैट डिटरमिनेंट विल बी जीरो। ठीक है, और तीसरा प्रॉपर्टी क्या था कि अगर कोई भी दो रो आइडेंटिकल है या कोई भी दो कॉलम आइडेंटिकल है, मतलब सेम है, देन द वैल्यू ऑफ दैट डिटरमिनेंट विल बी जीरो। और जो फोर्थ है, जो भी हमने लास्ट में पढ़ा, कि अगर हम किसी भी रो या कॉलम में से कोई भी एक फैक्टर जो है ना वो बाहर ले सकते हैं, और वाइस वर्सा, अगर कोई डिटरमिनेंट के बाहर एक कोई फैक्टर लिखा है तो उसको हम किसी भी रो या कॉलम में भेज सकते हैं। ठीक है, चलो अब आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, प्रॉपर्टी 5 क्या बोल रही है पहले सुन लेते हैं, कि अगर हमने किसी भी डिटरमिनेंट में ना कोई भी दो रो या कॉलम को इंटरचेंज किया, क्या बोला मैंने, कि हमने किसी भी डिटरमिनेंट में दो रोज या कॉलम को इंटरचेंज किया, मैं रोज और कॉलम को इंटरचेंज नहीं कर रहा हूँ, रोज को आपस में या कॉलम्स को आपस में, रो और कॉलम को नहीं कर रहा हूँ, धुनना ध्यान से, इफ एनी टू रोज या फिर एनी टू कॉलम्स आर इंटरचेंज देन द वैल्यू ऑफ दैट डिटरमिनेंट विल बी नेगेटिव ऑफ द ओरिजिनल, देन द वैल्यू ऑफ दैट डिटरमिनेंट विल बी नेगेटिव ऑफ ओरिजिनल। मतलब क्या है, पहले लिख लेते हैं इसको, फॉर्मली लिख लेते हैं फिर अपन इसका एक्सप्लेनेशन देंगे। तो इफ एनी टू रोज या कॉलम, मतलब मैंने पहले ही बोला है कि प्रॉपर्टी 1 की मदद से हम ये बोल सकते हैं कि जो भी प्रॉपर्टी हम सीख रहे हैं अगर वो रो पे एप्लीकेबल है तो कॉलम पे होगी, तो लिखने की हालांकि जरूरत नहीं है मुझे इधर, बट फिर भी लिखवा देता हूं, मैं कॉलम भी ऐड करवा देता हूं। इफ एनी टू रोज या कॉलम आर इंटरचेंज देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट सो ऑब्टेन्ड, ऐसा करने पे जो डिटर्मिनेंट मिला, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट सो ऑब्टेन्ड विल बी नेगेटिव ऑफ ओरिजिनल डिटर्मिनेंट। ठीक है, देखो प्रॉपर्टी लर्न करना तो आसान होता है, बट उस मेन कहाँ दिक्कत होती है, उसको एप्लीकेशन उसका, तो इसलिए प्रॉपर्टी याद है, अच्छी बात है, प्रूफ भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बट मेन चीज़ कब सीखोगे, मतलब जब हम उसको अप्लाई करें, वो हम एक साथ देखेंगे सारे क्वेश्चन। ठीक है, अभी पहले मैं प्रॉपर्टीज़ ख़त्म करूँगा। तो एग्जाम्पल जैसे इसने क्या बोला देखते हैं, लेट्स से मैं पहले 2x2 के लिए ले रहा हूँ, फॉर 2x2, इसकी मदद से हम 3x3 भी शो कर देंगे, ठीक है ना, प्रूफ कर देंगे। तो फॉर 2x2 लेट्स से दिस इज ए बी सी डी, अब इसमें तो दो ही रो हैं या दो ही कॉलम है, तो इन दोनों को इंटरचेंज कर देते हैं। तो मैंने बोला अगर ये Δ1 है और मैं Δ2 लिख रहा हूँ, रो 1 और रो 2 को इंटरचेंज कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा सी डी, ये रो 1 हो गया और ए बी, ये मेरा रो 2 हो गया। अब ये क्या बोल रहा है अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, कि ये Δ2 होगा ना वो नेगेटिव ऑफ Δ1 होगा। कैसे होगा देख लेते हैं, तो मैंने कहा इसको इवेल्युएट करेंगे तो क्या आएगा ए डी माइनस बी सी, और इसको इवेल्युएट करूंगा तो क्या आएगा बी सी माइनस ए डी, एंड दैट इज नथिंग बट माइनस टाइम्स ए डी माइनस बी सी, एंड ए डी माइनस बी सी इज Δ1, तो दिस इज माइनस ऑफ Δ1, हेंस प्रूफ 2x2 के लिए तो बहुत आसान हो गया। अब मैंने क्यों बता रहा हूँ 2x2 का, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसकी हेल्प से हम 3x3 का प्रूफ करेंगे, मतलब हम आखिरी स्टेप तक नहीं जाएंगे। ठीक है ना, एक तरीका तो क्या होता है प्रूफ करने का, कि हम दोनों, जैसे प्रूफ करना है कि ये डिटरमिनेंट और ये डिटरमिनेंट बराबर है या नेगेटिव है एक दूसरे का, तो हम पूरा सॉल्व करें आखिरी तक लेके आए और शो कर दें कि दोनों बराबर है, या फिर हम कुछ इंटरमीडिएट स्टेप में प्रूफ कर दें। तो मैं क्या करूँगा, विद द हेल्प ऑफ दिस आई विल प्रूफ इट फॉर 3x3 डिटरमिनेंट। ठीक है, तो पहले वीडियो पॉज करो, उसको कॉपी कर लो। अब मैं ले रहा हूँ 3x3 के लिए,
फॉर 3x3 फॉर 3x3 डिटर्मिनेंट, ठीक है ना। तो लेट्स से ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर, दिस इज माई लेट्स से डेल्टा वन और डेल्टा टू। मैंने क्या किया, लेट्स से मैं किसी भी रो या कॉलम को कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो रो वन और रो टू को कर देता हूँ मैं एक्सप्लेनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी एक्स वाई जेड दिस इज ए बी सी पी क्यू आर, ठीक है। अब मुझे क्या प्रूव करना है कि डेल्टा टू इज नेगेटिव ऑफ डेल्टा वन, बिकॉज हमने इधर इन दोनों रोज को इंटरचेंज किया है। तो एक तरीका तो क्या बताया, जैसे मैंने विदाउट दिमाग खर्च किए हुए कि हम इसको पूरा सिंप्लीफाई करें, छह टर्म्स आएंगे, तीन पॉजिटिव तीन नेगेटिव, और इसमें इसको भी वैलिड करें, छह टर्म्स आएंगे तीन पॉजिटिव तीन नेगेटिव, और देख लें कि दोनों बराबर, सॉरी दोनों एक दूसरे के नेगेटिव आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। बट दैट इज नॉट अ गुड वे, अगेन जैसे हमने प्रीवियस प्रॉपर्टीज में बोला है, हम तो थोड़ा स्मार्ट वर्क करेंगे। स्मार्ट वर्क कैसे करेंगे, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों को इंटरचेंज किया ना, तो जिनको इंटरचेंज किया उनको छोड़ के, जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ मैं, तीसरी जो बची हुई रो है इसमें क्या है, रो थ्री जो बची हुई है इसके थ्रू इवेल्युएट करूँगा, तो क्या होगा मेरा एक ही स्टेप में आ जाएगा आंसर। कैसे, इसको मैंने इवेल्युएट किया तो ये हो गया पी टाइम्स, ये गया बी वाई सी जेड, फिर माइनस क्यू टाइम्स, ये गया ए एक्स, और ये गया सी जेड, एंड दिस इज प्लस आर टाइम्स ए एक्स बी वाई, ठीक है ना। दिस इज माई डेल्टा वन, ठीक है। अब मैं आता हूँ डेल्टा टू पे, तो डेल्टा टू को चलो मैं नीचे लिख लेता हूँ डेल्टा टू। अब डेल्टा टू को भी मैं क्या कर रहा हूँ, इसी की मदद से इवेल्युएट कर रहा हूँ, सो दैट इसी स्टेप में प्रूफ हो जाए कि ये दोनों डिटरमिनेंट्स नेगेटिव हैं एक दूसरे के। तो इसको मैंने इवेल्युएट किया रो थ्री के थ्रू, तो ये हो जाएगा पी टाइम्स, ये गया वाई बी जेड सी वाई, एक मिनट, बी जेड सी माइनस क्यू टाइम्स एक्स ए जेड सी प्लस आर टाइम्स एक्स ए वाई बी। अब सोचो क्या ये दोनों एक दूसरे के नेगेटिव है, सोचो वीडियो पॉज करके, आंसर मिलेगा यस। कैसे, विद द हेल्प ऑफ दैट 2x2, क्योंकि 2x2 में मैंने बताया था कि अगर दोनों रोज को इंटरचेंज किया तो वो नेगेटिव आता था। तो नाउ यू कैन सी इन दिस कि पी तो सेम है, अब ये पार्ट और ये वाला पार्ट, यू कैन सी कि इन दोनों में क्या किया है, बेसिकली इधर से इधर कैसे आएंगे, इन दोनों रोज को इंटरचेंज करेंगे, तो दिस इज नेगेटिव ऑफ दिस। सिमिलरली माइनस क्यू सेम है, दीज टू आर नेगेटिव ऑफ ईच अदर। सिमिलरली आर और आर सेम है, दीज टू आर नेगेटिव ऑफ ईच अदर। हेंस दिस डेल्टा टू इज वॉट, माई नेगेटिव ऑफ डेल्टा वन। क्लियर हुआ बच्चों, ठीक है। चलो तो वीडियो पॉज करो और इसको कॉपी कर लो, ठीक है। चलो मैं इसको रब कर रहा हूँ। नाउ विल मूव टू द प्रॉपर्टी नंबर 6, एंड डोंट वरी मैं एग्जाम्पल्स एक साथ लूँगा, ठीक है ना, मिक्स एग्जाम्पल्स, तो ज़्यादा क्लियरिटी होगी हमारी, ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस होगी। चलो तो लेट्स मूव टू द प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या बोलता है कि अगर कोई भी रो या कॉलम, अगेन मैं एक काम करता हूँ, रो ही का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, तो बाय डिफॉल्ट इट इज अंडरस्टूड कि वो कॉलम के लिए भी एप्लीकेबल है। मैं बोल रहा हूँ अगर कोई भी एक रो दूसरे रो का मल्टीपल है ना, इफ एनी रो इज मल्टीपल ऑफ एनी अदर रो देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी 0। पहले तो लिख लेते हैं उसके बाद समझते हैं। तो मैंने बोला इफ एनी रो इज स्केलर मल्टीपल, या फिर मल्टीपल लिख लो, इज मल्टीपल ऑफ एनी अदर रो देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी जीरो। पहले तो एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है ना, उसके बाद फिर हम इसको प्रूफ देखेंगे। तो जैसे एग्जाम्पल क्या बोल रहा है ये, लेट से मैंने इधर लिखा 1, 2, 3, इधर लिखा 2, 4, 6, इधर लिख लिया लेट से 3, 5, 11, कुछ भी लिख लिया, ठीक है। तब नाउ यू कैन सी कि जो रो टू है
दैट इज मल्टीपल ऑफ रो वन. इसको अगर रो वन को मैंने टू से मल्टीप्लाई किया तो आई लव टेन रो टू. हैंस आई कैन डायरेक्टली से दिस डेल्टा इज जीरो. नो नीड टू इवेल्युएट इट, नो नीड टू इवेल्युएट इट फर्दर. डायरेक्टली वी कैन से दिस डिटर्मिनेंट वैल्यू इज जीरो. कैसे? बेसिकली इस प्रॉपर्टी में क्या हो रहा है ना, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्रॉपर्टीज, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रीवियस टू प्रॉपर्टीज. रिकॉल करो कौन सी प्रॉपर्टीज, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रीवियस टू प्रॉपर्टीज. जस्ट प्रीवियस नहीं, प्रीवियस मतलब जो तीस आई थिंक थर्ड और फोर्थ नंबर की प्रॉपर्टीज. क्या 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 कॉम्बिनेशन कौन कौन सी प्रॉपर्टीज का है देखना. पहला कि अगर कोई भी दो रो आइडेंटिकल है, डेल्टा इज जीरो इफ एनी टू रोज आर आइडेंटिकल देन डेल्टा इज जीरो. और दूसरा फ्रॉम अ रो या कॉलम, फ्रॉम अ रो वी कैन टेक अ फैक्टर कॉमन. वी कैन टेक अ फैक्टर कॉमन. कैसे है? क्या बोल रहा है ये कि अब देखो, अब हमें देख रहा है, मैंने बोला कि ये 2, 4, 6 लिखा है तो इस प्रॉपर्टी के हिसाब से हम इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, टू कॉमन ले सकते हैं. तो दिस विल बी 1, 2, 3 ये हो जाएगा 2 टाइम्स और ये होगा 1, 2, 3 और 3, 5, 11 एंड वी नो रो वन और रो टू क्या है, आइडेंटिकल है. हैंस 2 × 0 इज जीरो. तो हमें दो बार प्रॉपर्टी लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम इसको बोल सकते हैं प्रॉपर्टी 6 कुछ नया नहीं है, इट इज़ जस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी नंबर 3 और 4. ठीक है ना, कि हम अगर दो रो आइडेंटिकल हैं तो डेल्टा इज जीरो एंड फ्रॉम आर रो वी कैन टेक अ फैक्टर आउटसाइड. क्लियर हुआ? चलो इसको भी समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे एक तरीका तो यही जो मैंने बताया अभी, और एक हम जनरलाइज कर लेते हैं. ठीक है ना, देखना कैसे. इसको पहले कॉपी कर ले, काम करो. ठीक है, इसको कॉपी कर लो, फिर मैं एक जनरलाइज करके बता देता हूँ. ठीक है, जनरलाइज करके कैसे देखो, लेट से मैंने लिखा ए बी सी, इधर लिखा 2A, 2B, 2C और लिखा XYZ. सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी दिस डेल्टा इज वॉट माई जीरो. दिस डेल्टा इज जीरो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी बिकॉज रो टू इज 2 times rho 1. हैंस आई कैन से दिस डेल्टा इज जीरो. बट अब मैं प्रूफ के लिए क्या कर रहा हूँ देखना. ऐसे कर सकते हैं कि लेट से मैं इसको इवेल्युएट कर देता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू रो टू. रो टू के रिस्पेक्ट में इवेल्युएट कर देता हूँ. तो रो टू के लिए मैं लिखूँगा, नहीं तो एक काम करो, रो टू की जगह रो थ्री से करो तो एक लाइन में हो जाएगा. कैसे? इसको लिखूँगा एक्स इंटू, फिर हो जाएगा बी टू बी सी टू सी, फिर माइनस वाई टाइम्स ए टू ए सी टू सी एंड प्लस जेड टाइम्स ए टू ए बी टू बी. नाउ यू कैन सी दिस इज जीरो, दिस इज जीरो, दिस इज जीरो. हैंस द वैल्यू इज जीरो. बट दिस इज नॉट अ बेटर वे. ऑफकोर्स हम बेटर वे क्या होगा कि हम इधर से टू कॉमन लेंगे और फिर बोलेंगे रो वन एंड रो टू आइडेंटिकल, हैंस डेल्टा इज जीरो. आई होप समझ में आ रहा होगा. ठीक है, चलो तो अब हम आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 7 पे. ठीक है ना, थोड़ा फास्ट लगे तो व्हाट्सएप पे बताना कि अगर ज़्यादा फास्ट जा रहा हूँ मैं तो वी कैन बी बिट स्लो. बट आई थिंक दिस इज अ ईजी चैप्टर एंड दिस मच स्पीड इज नेसेसरी ऑल्सो बिकॉज हमें काफ़ी चीज़ें कवर अप करनी है. ठीक है ना, कोई चीज़ छूटना नहीं चाहिए. थोड़ा फास्ट हो जाए चलेगा बट कुछ छूटना नहीं चाहिए. चलो तो लेट्स मूव टू द प्रॉपर्टी नंबर 7. दिस इज माई सेकेंड लास्ट प्रॉपर्टी, टोटल 8 पढ़ेंगे. ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 8 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है ना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो प्रॉपर्टी नंबर 8 होगी, उसका इसके बाद आएंगे हम उस पर. बट दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. ये क्या बोल रहा है कि हम किसी भी डिटर्मिनेंट को ना दो डिटर्मिनेंट में ब्रेक कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एनी रो और कॉलम. पहले तो लिख लेते हैं हम, वी कैन ब्रेक एनी डिटर्मिनेंट, वी कैन ब्रेक एनी डिटर्मिनेंट into two determinant of course of same order रहेगा. ठीक है, लिखना है तो लिख लो ऑफ सेम ऑर्डर
ऑर्डर चेंज नहीं होगा. वी कैन ब्रेक एनी डिटर्मिनेंट इनटू टू डिटर्मिनेंट ऑफ सेम ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू एनी रो और कॉलम. ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना. ठीक है, इसको समझाने के लिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ और प्रूफ भी दूंगा इसका, डोंट वरी. पहले एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है ना, मतलब प्रॉपर्टी कैसे क्या है और फिर उसके बाद उसका प्रूफ. तो लेट्स से मैंने इधर लिखा ए प्लस ए डैश, लिखा बी प्लस बी डैश, सी प्लस सी डैश, लिख लिया पी क्यू आर एक्स वाई जेड. अच्छा, अब क्या बोल रहा है वो कि इस डिटर्मिनेंट को हम दो डिटर्मिनेंट ब्रेक कर रहे हैं. देखना, ध्यान से सुनना मेरी एक एक बात, बहुत इंपॉर्टेंट है. और ये सेम चीज है, ये प्रॉपर्टीज जो है ना डिटर्मिनेंट की, ये तुम्हें जो चैप्टर आएगा वेक्टर उसमें भी काम आने वाली है. ठीक है ना, उसमें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आता है या फिर बॉक्स प्रोडक्ट बोलते हैं, उसमें ये काम आता है. ठीक है, प्रॉपर्टीज. तो अब ये क्या बोल रहा है कि जैसे अब इस उसने क्या बोला है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, विथ रिस्पेक्ट टू एनी रो और कॉलम. तो हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक कर रहे हैं रो वन के रिस्पेक्ट में. तो जिस रो के रिस्पेक्ट में ब्रेक कर रहे हैं ना, उसको छोड़ के बाकी दो रोज हैं वो एज इट इज कॉपी करेंगे हम दूसरे डिटर्मिनेंट में. दोबारा, मैं अगर रो वन के थ्रू ओपन कर रो वन के थ्रू ब्रेक कर रहा हूँ इस डिटर्मिनेंट को, तो रो टू एंड रो थ्री विल रिमेन द सेम. तो पहले तो उसको एज इट इज कॉपी कर लो, पी क्यू आर एक्स वाई जेड, पी क्यू आर एक्स वाई जेड. ठीक है, अब क्या करना है हमें कि इधर तीन एलिमेंट्स आएंगे. तो अब क्या है, हम इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं, इधर मैंने ए लिख दिया, इधर ए डैश लिख दिया, इधर मैंने बी लिख दिया, इधर बी डैश लिख दिया, इधर सी लिख दिया, इधर सी डैश लिख दिया. अब कोई बोलेगा कि सर इधर ए डैश लिख दो, उधर ए लिख दो, बिल्कुल चलेगा. मतलब यू कैन पुट हियर ए डैश, हियर ए, हियर बी डैश, हियर बी, हियर सी डैश, इधर सी. कोई बोलेगा सर इधर तो ए डैश बी डैश आए थे, इधर अभी इसको सी कर देते, इसको सी डैश कर देते, बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं. होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए कि ये जो एलिमेंट है ना, इसका एडिशन, मतलब ये कंप्लीट एलिमेंट जो है वो एडिशन ऑफ दीज टू होना चाहिए. अब कैसे भी ब्रेक कर सकते हो, मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं इधर ऐसे लिख लूँ ए डैश बाई टू और इधर लिख लूँ मैं ए प्लस ए डैश बाई टू, दैट इज ऑल्सो गुड. एडिशन ऑफ दोज टू शुड बी दिस, गेटिंग इट. जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो इधर मेरा सेवन लिखा है, तो सेवन को ब्रेक करने के तो इन्फाइनाइट तरीके है. वी कैन राइट इट वन प्लस सिक्स, टू प्लस फाइव, फोर प्लस थ्री एंड सो ऑन, माइनस एट प्लस एंड सो ऑन, लाइक वी कैन ब्रेक इट इन इनफाइनाइट वेज. बट याद क्या रखना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि ये जिस रो के रिस्पेक्ट में ब्रेक कर रहे हैं ना, उसको छोड़कर बची हुई दो रोज या कॉलम्स वॉट एवर वो सेम रहेगी, वो सेम रहेंगी. आई होप क्लियर हुआ होगा. ठीक है, चलो अब हम इसका प्रूफ देख लेते हैं. प्रूफ भी एक ही लाइन का है, प्रूफ भी एक ही लाइन का है. कैसे एक ही लाइन का, देखना. मैं क्या कर रहा हूँ इसको एक्सप्लेन करने, प्रूफ करने के लिए. प्रूफ देख लो, मैं रो वन के रिस्पेक्ट में इसको ओपन कर रहा हूँ. तो व्हेन आई ओपन इट विद रिस्पेक्ट टू रो वन, व्हाट यू विल गेट, यू विल राइट ए ए डैश इनटू इसका कोफैक्टर, तो ये हो जाएगा क्यू वाई आर जेड. फिर क्या लिखो, माइनस टाइम्स बी प्लस बी डैश इनटू इसका कोफैक्टर, तो ये हो जाएगा पी एक्स आर जेड. एंड लास्टली प्लस सी डैश इंटू इसका, तो ये हो जाएगा पी एक्स क्यू वाई. अब इधर देखो ना, अब हम इधर देख रहे हैं. ठीक है ना, तो इसको देखोगे तो पहले इसका लिखोगे तो क्या लिखोगे, ए डैश इंटू क्यू वाई आर जेड माइनस बी डैश टाइम्स पी एक्स आर जेड एंड प्लस सी टाइम्स, चलो मैं इधर सी डैश ही कर देता हूँ, इधर सी लिख लेता हूँ, सी डैश टाइम्स पी एक्स क्यू वाई प्लस, अभी कम बचा हुआ है ये वाला और बचा है, ये हो जाएगा ए टाइम्स फिर क्यू वाई आर जेड माइनस बी टाइम्स पी एक्स आर जेड और प्लस सी टाइम्स पी एक्स क्यू वाई. अब कोई बोलेगा सेम कैसे है, जस्ट अ सेकेंड, कोई बोलेगा सेम कैसे है, तो देख लो कि ये जो पार्ट है क्यू आर वाई जेड, क्यू आर वाई जेड ये कॉमन है, तो इन दोनों में से अगर ये डिटर्मिनेंट वाला पार्ट टू क्रॉस टू का डिटर्मिनेंट कॉमन लिया, तो व्हाट यू विल गेट इन ब्रैकेट ए प्लस ए डैश, तो देखो ए प्लस ए डैश, और वो हमारा ये डिटर्मिनेंट भी सेम है, देखो एंड दिस इज सेम, हेंस बोथ आर इक्वल. ठीक है,
तो अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी दिस, ठीक है ना। इसको शॉर्ट नोटेशन में और देख लेते हैं हम। तो बिफोर दैट यू जस्ट पॉज द वीडियो एंड कॉपी दिस मच, ठीक है। तो मैं इसको शॉर्ट नोटेशन में बता रहा हूँ। आज लग रहा है प्रॉपर्टीज ही हो पाएंगी, कोई बात नहीं, हम क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे दूंगा मैं, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन होमवर्क के लिए उनको कल की क्लास में डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद एक प्रॉपर्टी और है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने क्या बोला, इसको शॉर्ट नोटेशन में मैंने क्या लिखा, इसको ऐसे लिख लिया R1 + R1′, लिख लिया R2 R3। तो आई कैन राइट इट एज, वी कैन ब्रेक इट इन विद रिस्पेक्ट टू रो 1, तो मैंने इसको ऐसे लिख लिया, तो रो 2 एंड रो 3 विल रिमेन द सेम। प्लस पहले जो सेम है उसका लिखो, कभी गलती नहीं करोगे, जो भी जिसके लिए मतलब जो जिसके जिसके रिस्पेक्ट में ब्रेक कर रहे हैं ना उसको छोड़ के, वो तो चेंज होने से रहे, तो उनको पहले कॉपी कर लिया, फिर गलती नहीं होगी। तो इसको लिख लिया फिर मैंने R1, इसको लिख लिया R1′, ठीक है। अच्छा, कुछ जैसे कुछ क्वेश्चन में तो हो सकता है हमें इधर से इधर जाना पड़े, और कुछ क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि हमें दो डिटरमिनेंट दे रखे हो, सिंप्लीफाई करने के लिए हमें उनको ऐड भी करना पड़े, तो वाइस वर्सा भी जाना पड़ सकता है, मतलब उल्टा भी जाना पड़ सकता है, ठीक है ना। तो अगर दो डिटरमिनेंट दिए, इफ यू नोटिस, तुम मतलब क्लब कैसे करेंगे, पहले हम देखेंगे कि भाई ये दोनों रो सेम है या नहीं है, तब तो हम उनको ऐड करके एक सिंगल डिटरमिनेंट में लिख देंगे। थैंक्स गॉड लाइट आ गया। तो इन दो को मैंने क्या बोला, इंपॉर्टेंट कि उल्टा भी जाना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, इसी को हम कॉलम के थ्रू भी देख लेते हैं। लेट से कॉलम के थ्रू देख लिया, तो मैंने लिखा इधर C1 + C1′, इधर C2 इधर C3। तो व्हाट आई विल राइट, जो पहले आदत डालेंगे हम, जो सेम लिखने वाली, तो ये C2 और C3 जो चेंज नहीं हो रही वो सेम रहेंगी, C2 इधर C3। और अब ब्रेक वाला दूसरे कलर से लिख देता हूँ मैं, इधर मैं लिख रहा हूँ C1, इधर लिख रहा हूँ C1′, ठीक है ना। नोट इम्पॉर्टेंट बात क्या है, इधर ऐसे गोला करके लिख लो, ये और ये तीनों चीज़ सेम हैं, इन दोनों का एडिशन ये आना चाहिए, बस दिस इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा, ठीक है। चलो अब आते हैं हम लास्ट प्रॉपर्टी पे, दैट इज प्रॉपर्टी नंबर 8, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, मतलब ये समझ लो इस चैप्टर का मेन प्रॉपर्टी है, एंड यू कैन सी कि 90% क्वेश्चंस में वही प्रॉपर्टी 8 यूज़ होगा, प्रॉपर्टी नंबर 8। इसको पहले भी हम यूज़ किए हैं, ठीक है ना, पहले भी हम यूज़ किए हैं, बट आज फॉर्मली हम उसको पढ़ेंगे, उसका प्रूफ वगैरह भी देखेंगे। जैसे इसको मैं ना क्या कर रहा हूँ, पहले लैंग्वेज में लिखाने से पहले एक बार इलस्ट्रेशन के थ्रू बता देता हूँ, ठीक है ना, कर क्या रहे हैं। तो लेट्स से दिस इज 1 2 3, लिखा है 2, और लेट्स से 5, एंड लेट्स से इट इज 7, एंड हियर इट इज 3, हियर इट इज 8, हियर इट इज 10, चलो 10 11 ले लिया, लेट्स से दिस इज माय डेल्टा। तो ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है, सुनना ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है, अति वाला। ये बोल रहा है कि हम किसी भी रो में किसी दूसरे रो का स्केलर मल्टीपल ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगेन मैं रो वर्ड यूज़ किया, इसका मतलब ये नहीं कि कॉलम पे नहीं लगेगा, जो प्रॉपर्टीज रो पे लग रही है वो कॉलम पे तो लगना ही लगना है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, इसको पहले लिखते कैसे हैं ये तुम्हें याद आ जाएगा, मैंने पहले ही बताया। जैसे मैंने क्या बोला, किसी भी रो में हम दूसरे रो का स्केलर मल्टीपल ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आई विल राइट R1 goes to R1 + -, लेट्स से कुछ कॉन्स्टेंट अल्फा स्केलर टाइम्स लेट्स से R2। अच्छा, मैंने अल्फा ले लिया, तो इधर प्लस ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, अल्फा कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव, या फिर मेंशन करना है तो प्लस माइनस लिख लो, व्हाटएवर यू वांट। R1 goes to R1 + सम अल्फा टाइम्स R2, अल्फा इज व्हाट, माय स्केलर। इन अ रो लिखेंगे कैसे इसको, इन अ रो वी कैन ऐड या सब्ट्रैक्ट स्केलर मल्टीपल ऑफ एनी अदर रो या कॉल। रो यूज किया तो मैंने इधर रो ही लिखूंगा, ठीक है। इन अ रो वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट स्केलर मल्टीपल ऑफ एनी अदर रो, ठीक है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। यूज क्यों करते हैं वो भी देखेंगे हम, ठीक है ना, क्योंकि जो 4x4 5x5 का डिटर्मिनेंट्स है, इफ यू इवेल्युएटेड डायरेक्टली
देन हालत ख़राब हो जाएगी। तुमने देखा, हमने कल के क्लास में बताया था, अगर मान लो वो तो 4x4 का दिया था मैंने, मान लो 5x5 का आ गया तो क्या करोगे? विदाउट प्रॉपर्टी यू कैन नॉट सॉल्व दोस क्वेश्चन, बिकॉज दैट दे आर ऑल बल्की, सो यू हैव टू अप्लाई दिस प्रॉपर्टी ओवर देयर। कैसे करेंगे वो भी मैं उस पर आ रहा हूँ, बट बिफोर दैट अभी इधर कंसंट्रेट करते हैं, ठीक है। सिमिलरली वी कैन अप्लाई फॉर कॉलम ऑल्सो, जैसा कि मैंने बोला रो के लिए हम कॉलम पे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अब जैसे मान लो मुझे इस पे करना है, ठीक है, इस पे कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अब पहली बात तो हम करेंगे क्यों, और करेंगे क्यों, और फिर इस पर्टिकुलर में अल्फा क्या लेंगे, प्लस लेंगे माइनस लेंगे, और अल्फा की वैल्यू क्या लेंगे इस पर्टिकुलर सिनेरियो में। देखो ध्यान से सुनना, ये अगेन जो मैं पॉइंट बोल रहा हूँ वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि डिटरमिनेंट को तो हम यहाँ से डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं, बट उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगी। तो मैंने क्या बताया था तुम्हें कि हम डिटरमिनेंट में क्या कोशिश करते हैं, हमारा की पॉइंट, की रोल क्या होता है डिटरमिनेंट में, सबसे पहला पॉइंट कि भाई हम उस रो या कॉलम के थ्रू इवैल्यूएट करें जहाँ सबसे ज़्यादा जीरोज हो, क्योंकि जीरो जितनी ज़्यादा जगह होंगे, मान लो जैसे रो वन में दो जीरो हैं तो बहुत कम कैलकुलेशन होगी, क्योंकि जीरो के करस्पॉन्डिंग कैलकुलेशन तो आने से रही। तो हमारा टारगेट क्या होगा कि हम किसी भी एक रो या कॉलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस जनरेट कर दें, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस जनरेट कर दें। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने इस रो को पकड़ा, रो वन को पकड़ा, सॉरी कॉलम वन को पकड़ा। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये टू जीरो हो जाए और ये थ्री भी जीरो हो जाए, क्योंकि अगर ये टू और थ्री जीरो हो गए तो फिर मैं कॉलम वन के थ्रू इवेल्युएट करके डायरेक्टली एक लाइन में आंसर दे दूंगा। तो फॉर दैट व्हाट आई विल ट्राई टू मेक दिस एलिमेंट टू को मैं जीरो बनाना चाहूंगा, तो मैं क्या ऑपरेशन लगाऊंगा, देखना ये टू मुझे जीरो चाहिए, तो मैं क्या कर रहा हूं, आर टू में से मैं क्या घटा रहा हूं, सॉरी हाँ, आर टू माइनस ट्वाइस ऑफ आर वन, दिस इज माई रो टू, रो टू गोज टू रो टू माइनस ट्वाइस ऑफ आर वन, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि जिस रो में चेंज कर रहे हैं ना, जिस रो को चेंज कर रहे हैं उसको हम इधर वन ही रहेगा हमारा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कर लो, अभी इस पे आऊँगा दोबारा, मैंने लिख लिया सो दैट एस्केप ना हो जाए। जिस रो को चेंज कर रहे हैं ना उसका कोफिशियंट शुड बी वन, हम ऐसे नहीं कर सकते आर वन गोज टू ट्वाइस आर वन माइनस थ्री आर टू, जैसे मैंने इधर लिखा ना, इधर आर टू को चेंज कर रहा हूँ तो इधर वन ही है। अभी समझाऊंगा भैया ऐसा क्यों हो रहा है, अगर मैंने इधर चेंज किया तो वैल्यू विल गेट चेंज, वो डिटरमिनेंट सेम नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो अब पहले हम इसको इवेल्युएट कर लेते हैं, तो मैंने बोला आर टू गोज टू, तो आर टू को चेंज कर रहे हैं तो आर वन और आर थ्री सेम रहेंगे, तो वो मैंने एज इट इज कॉपी कर दिए, 3, 8, 11। अब मैं आर टू को चेंज कर रहा हूँ तो क्या बोल रहा है, आर टू माइनस ट्वाइस आर वन, तो टू माइनस ट्वाइस ऑफ वन विच इज जीरो, ऑफकोर्स आएगा भी जीरो, उसी लिए तो हमने किया ना, हमने इस तरीके से ये टू चूज किया कि ये जीरो हो जाए। अब इधर भी चेंज करेंगे तो 5 माइनस ट्वाइस ऑफ 2 तो 5 माइनस 4 विच इज 1, 7 माइनस ट्वाइस ऑफ 3 तो 7 माइनस 6 विच इज अगेन 1। आई होप क्लियर हुआ, तो मेरा एक जीरो आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको भी जीरो बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अब क्या करूंगा मैं, अब क्या ऑपरेशन लगाऊं इसको, वीडियो पॉज करो, खुद लगाओ। तो मैं इधर लिख देता हूँ क्या होगा, अब मैं R3 को चेंज करूंगा, तो R3 goes to R3, इधर वन ही आएगा। अब इसमें से क्या घटाऊं, 3 times R1 तो ये जीरो हो जाएगा, तो माइनस 3 times R1, हमें इनकी परवाह नहीं करना, ये कुछ भी हो जाए, हमें इनसे फोकस करना है, तो ये हो जाएगा। अच्छा R3 चेंज कर रहे हैं तो R1 R2 सेम रहेंगे, तो 1, 2, 3 तो ये हो गया 0, 1, 1। अब 3 माइनस 3 टाइम्स 1 तो ये तो जीरो होना ही है, 8 माइनस 3 टाइम्स 2 तो 8 माइनस 6 विच इज 2 एंड 11 माइनस 9 विच इज अगेन 2। अच्छा चलो अब इसका वैल्यू, अब तो हम कॉलम वन के थ्रू वैलिडेट कर देते हैं। अब क्या हुआ इसमें, लकीली और अनलकीली जैसे ही बोल लो, इफ आई विल एवेल्युएट इट विद रिस्पेक्ट टू कॉलम वन, दिस 2 माइनस 2 दिस इज 0, लकीली आ गया 0, कुछ भी आ सकता था, नॉन जीरो भी आ सकता था। आई होप समझ में आया होगा। अब एक काम करते हैं, पहले इतना कॉपी करो, इसी को मैं कॉलम के थ्रू इवेल्युएट करता हूँ, मतलब अब मैं इन दोनों एलिमेंट्स को जीरो बनाऊंगा, ठीक है ना, उसके बाद फिर हम इसका प्रूफ देखेंगे। अभी तक प्रूफ नहीं देखा है हमने, अभी तक हमने इसका प्रूफ नहीं देखा है, ठीक है ना। अभी जस्ट मैं बता रहा हूँ कैसे लगा रहे हैं, तो आई एम रबिंग दिस पार्ट, जस्ट पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट। अब मैं क्या कर रहा हूँ, कॉलम में लगा देता हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ देखना ध्यान से, फिर देखते हैं कि सेम आ रहा है या नहीं। अब मेरा टारगेट क्या है, इन दोनों एलिमेंट्स को जीरो बनाना, ठीक है। फिर मैं क्या करूँगा, रो वन के थ्रू वैलिडेट करूँगा अगर, क्योंकि ये दोनों जीरो हो गए तो रो वन के लिए मेरे को कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी, 1 इंटू उसका को फैक्टर आएगा बस, तो
इस टू को जीरो बनाना है मुझे अब, ठीक है ना, इस टू को जीरो बनाना है, तो क्या करूँ मैं, इस टू में से इसका ट्वाइस घटा देता हूँ, मतलब सी टू गोज टू सी टू माइनस ट्वाइस ऑफ सी वन, तो सी टू चेंज हो रहा है, तो इधर देखो सी टू का कोफिशियंट वन है, तो सी वन और सी थ्री को एज इट इज कॉपी कर लेते हैं, वन टू थ्री, और ये हो गया थ्री सेवन इलेवन, एंड सी टू गोज टू सी टू, तो टू माइनस ट्वाइस ऑफ वन विच इज जीरो, फाइव माइनस ट्वाइस ऑफ टू फाइव माइनस फोर विच इज वन, एट माइनस सिक्स विच इज टू। अब मैं इस थ्री को जीरो बनाना चाहता हूँ, तो क्या करूँगा, सी थ्री गोज टू, जिसको चेंज कर रहा हूँ उसका क्वेश्चन वन, सी थ्री माइनस इस वन की मदद से थ्री टाइम्स सी वन, तो क्या आएगा देखो, सी थ्री चेंज होगा तो सी वन सी टू कॉपी एज इट इज कर लेता हूँ, तो वन टू थ्री जीरो वन टू, और थ्री माइनस थ्री टाइम्स दिस जीरो, सेवन माइनस सिक्स इट इज वन, इलेवन माइनस नाइन विच इज टू। नाउ यू कैन सी इफ आई इवैल्यूएट दिस विद रिस्पेक्ट टू रो वन, तो मेरे को कैलकुलेशन क्या करना पड़ेगा, इस वन का ही लिखना पड़ेगा, वन इन टू, और ये टू माइनस टू जीरो, तो अगेन इट इज जीरो ओनली। आई होप फील आ गई होगी कि हम क्यों कर रहे हैं, जस्ट टू रिड्यूस द कैलकुलेशंस। हम इसको डायरेक्टली भी वैल्यूएट कर सकते थे, एक काम करना तुम लोग करना, इसको डायरेक्टली ओपन करो, या फिर एक शॉर्टकट बताया था मैं थ्री क्रॉस थ्री के लिए, उससे वैल्यूएट करो, यू विल गेट जीरो ओनली। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब मैं इसका एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ, ठीक है, हम प्रॉपर्टी का, तो पहले कॉपी करो इसको, अब एक्सप्लेनेशन के लिए देखना मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे मैंने क्या लिखा, लेट्स से मैं इसको शॉर्ट नोटेशन में यूज़ कर रहा हूँ, आर वन आर टू सॉरी आर थ्री, ठीक है, और लेट्स से मैं इसमें लगा रहा हूँ, अच्छा लेट्स से आर टू गो आर वन गोज टू आर वन प्लस फाइव टाइम्स आर टू। अच्छा हम जैसे एक साथ दो तीन भी कर सकते हैं, इसका मेरा मतलब क्या है, जैसे मैंने इधर लिखा आर वन गोज टू आर वन प्लस फाइव आर टू, प्लस ऐसे भी कर सकते हो प्लस थ्री टाइम्स आर थ्री, या चलो माइनस थ्री टाइम्स आर थ्री, बट जिसको चेंज कर रहे हो उसका कोफिशियंट वन होना चाहिए, ठीक है ना, तो फॉर टाइमिंग मैं इधर प्लस थ्री लिख रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इसको लिखूंगा तो रो वन क्या हो जाएगा मेरा चेंज, रो वन क्या हो जाएगा, आर वन प्लस फाइव आर टू प्लस थ्री आर थ्री, और जो हो जाएगा आर टू आर थ्री। अब अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ये दोनों सेम है, अब हमको प्रूफ करना है। अब प्रूफ कैसे करेंगे देखना, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट। अब प्रॉपर्टीज यूज करेंगे, कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे इसको प्रूफ करने के लिए, कि वी कैन ब्रेक द डिटर्मिनेंट्स। तो आई विल ब्रेक दिस विद रिस्पेक्ट टू रो वन, रो वन के रिस्पेक्ट में इसको ब्रेक कर रहा हूँ, तो रो टू और रो थ्री सेम रहेंगे, तो रो टू रो थ्री। अच्छा मतलब एक बार में तीन तरीके से ब्रेक, तीनों को अलग अलग ब्रेक कर दो, या एट ए टाइम दो बार ब्रेक करो, कैसे भी कर सकते हो, चलो मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। बट वी कैन ब्रेक इट इनटू थ्री डिटर्मिनेंट्स ऑल्सो, जस्ट लाइक टू वी कैन ब्रेक इट इनटू थ्री, बट मैंने दो के लिए बताया तो चलो दो में ब्रेक करता हूँ। आर वन प्लस फाइव आर टू को एक साथ लिख रहा हूँ, और प्लस ये आर टू आर थ्री, और इधर आ जाएगा थ्री आर थ्री, गेटिंग इट। अब फर्दर मैं इसको दो में ब्रेक कर रहा हूँ, अगेन रो वन के रिस्पेक्ट में, तो फर्दर ये कैसे हो जाएगा मेरा, ये आर वन ये आर टू ये आर थ्री, और प्लस फाइव आर टू, और ये मेरा हो गया आर टू, और ये हो गया मेरा आर थ्री, एंड हेयर इट इज प्लस थ्री आर थ्री आर टू, और ये आर थ्री। मैंने क्या यूज़ किया, प्रॉपर्टी जस्ट सिक्स नंबर की प्रॉपर्टी जो हमने सीखी थी, कि वी कैन ब्रेक द डिटर्मिनेंट्स इनटू टू डिटर्मिनेंट्स विद रिस्पेक्ट टू एनी रो और कॉलम। तो मैंने रो वन के रिस्पेक्ट में इसको, इस वाले को मेरे को प्रूफ करना है ना कि ये दोनों सेम है, तो मैंने इसमें रो वन में लगाया वो ब्रेक करने वाला प्रॉपर्टी, तो इसको मैंने तीन डिटर्मिनेंट्स में ब्रेक कर लिया। जैसे कि मैंने बताया तो मैं दो बार में ब्रेक कर सकते थे, या फिर डायरेक्टली इसको तीन जगह ब्रेक कर दिया, बट इंपॉर्टेंट क्या है कि जिसके रिस्पेक्ट में ब्रेक किए उसको छोड़ के बाकी विल रिमेन द सेम। रो टू रो थ्री, इधर भी देखो रो टू रो थ्री रो टू रो थ्री रो टू रो थ्री, ठीक है ना। चलो अब आते हैं कि हमें प्रूफ करना है कि ये जो था वो इसके बराबर है, और ये हम अभी हमने क्या लिखा है, ये इन तीनों का एडिशन के बराबर है। बट नाउ इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली कि ये वाला डिटर्मिनेंट और ये जीरो है, सोचो ये और ये डिटर्मिनेंट जीरो है, क्यों, यूजिंग द प्रॉपर्टी। मुझे पता है कि प्रॉपर्टी क्या थी, कि अगर कोई रो किसी दूसरे रो का मल्टीपल है तो
डिटरमिनेंट ऑफ दैट इज जीरो, या फिर उसको हम दो प्रॉपर्टीज का कॉम्बिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसमें से मैंने फाइव कॉमन ले लिया, चलो एक काम करते हैं फाइव कॉमन लेके बताता हूँ। फाइव कॉमन ले लिया तो फाइव यहाँ से चला गया, अब रो टू दो रो आइडेंटिकल हो गई जीरो। सिमिलर इधर से थ्री कॉमन लिया, रो थ्री और इधर रो थ्री आइडेंटिकल हो गई दो रो जीरो। तो फाइनली वी आर गेटिंग सेम। आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलो तो अपन एक आध एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद फिर एंड अप करते हैं, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक 4x4 का ले लेता हूँ, ठीक है ना। तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी कर लो। अच्छा एक चीज़ और छोटा सा पॉइंट, अब जैसे जो मैं तुम्हें बता रहा था ना, देखो इधर क्लियर हो जाएगा तुम्हें कि इधर वन होना चाहिए, मतलब जिस रो को चेंज कर रहे हैं उसका कोफिशिएंट इधर वन होना चाहिए। कुछ सोचो अगर रो इधर वन नहीं होता, मान लो एक मिनट के लिए टू होता तो हम इधर 2R1 लिखते, फिर इधर मेरा 2R1 आता, फिर यह 2R1 आता, तो अब ये 2 बाहर आ जाता। तो क्या ये दोनों सेम होते? अब नहीं होते, 2 बाहर आ गया ना, हैंस वी कैन नॉट एड हियर 2, दिस इज द एक्सप्लेनेशन, ठीक है। गेटिंग इट, कि हम जिस रो में चेंज हो रहा है उसका कोफिशिएंट, इसको बोल्ड मार्क करके लिख लो। बहुत से बच्चे गलती करते हैं, दिस हैज टू बी 1, दिस हैज टू बी 1, जिस रो को चेंज कर रहे हैं उसमें उसको हम किसी से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। हाँ, उस रो में किसी दूसरे रो का स्केलर मल्टीपल ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट मल्टीप्लाई एनी स्केलर विद दैट रो जिसको हम चेंज कर रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा, होगा यही कि बस गलत हो जाएगा, ठीक है ना। चलो तो इसको कॉपी करो। अब हम एक 4x4 का डिटरमिनेंट ले लेता हूँ और फिर हम कुछ अच्छे क्वेश्चंस कल के लेक्चर में ले लेंगे, ठीक है ना, मतलब बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। कल पूरा का पूरा लेक्चर अपन क्वेश्चंस को देंगे सारा, ठीक है ना। चलो तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ 4x4 का, रैंडमली ले रहा हूँ, मेरे को नहीं पता उसकी वैल्यू क्या होगी, सो आई जस्ट टेक इट। अच्छा चलो एक थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कर लेते हैं, 2, 3, 2, 1, एक 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 6, 3, 4, 5, 2, and here it is 2, 4, 3, 5. Let's say this is my 4x4 डिटर्मिनेंट। तो एक तरीका तो क्या है, जैसे कि कल हमने बताया, कल की शायद कल या परसों के लेक्चर में जो मैंने दिया था 4x4 का डिटर्मिनेंट, यू कैन इवेल्युएट इट, ठीक है ना। तो ये किस में कन्वर्ट होता है, 4 3x3 का डिटर्मिनेंट, तो सोचो कितना लेंदी हो जाता है। बट अब हम क्या करेंगे, हम इसको प्रॉपर्टीज से करेंगे। तो इसमें मैं दो चीज़ें इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, देखना ध्यान से सुनना। अब प्रॉपर्टी से करना है इसको हमें, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि जो ओपन करते हैं, हमारा टारगेट क्या होता है, मेन टारगेट इज टू मेक दीज 3 एलिमेंट जीरो, क्योंकि अगर ये तीनों एलिमेंट जीरो हो गए तो आई कैन इवेलुएट दिस डिटर्मिनेंट विद रिस्पेक्ट टू कॉलम वन। तो कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, केवल ये हो जाएगा 2 times इसका कोफैक्टर, और इसका कोफैक्टर क्या होगा, 3x3 डिटर्मिनेंट, तो वो तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। मतलब कुल मिला के ये कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी लगाने के बाद जो 4 determinants थे 3x3 के, वो 1 determinant में हो गया 3x3 का, ठीक है। तो मेरा टारगेट है इसको जीरो बनाना। अब इसको भी जीरो बनाने के देखना 2-3 तरीके हैं, उसमें से बेस्ट क्या है वो बताऊंगा। एक तरीका तो क्या है, जैसे कि एक काम करो, पॉज करो अभी, ट्राई करो, जस्ट पॉज इट एंड ट्राई ऑन योर ओन एक बार, ठीक है ना, और फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखो। अब मैं मेथड बता रहा हूँ, ठीक है ना, जो तुम लोगों ने किया होगा मोस्टली, पहले क्या किया होगा तुमने, इस वन को जीरो बनाना है विद द हेल्प ऑफ दिस 2। तो यू मे हैव रिटन लाइक दिस वे, R2 goes to R2 minus half times R1, क्योंकि 1 minus half times 2 मुझे जीरो, तो इधर जीरो आ जाएगा, ठीक है। ये चेंज होंगे, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर तुमने लगाया होगा इसके बाद, मैं वो बता रहा हूँ क्या क्या ऑपरेशन किए हो सकते। फिर ये 3 को जीरो बनाना है, तो यू विल राइट R3 goes to R3 minus 3/2 times R1, क्योंकि 3/2 times ये करोगे तो 3/2 times 2 is 3, 3 minus 3 0, तो इधर भी जीरो आ जाएगा। और लास्टली यू विल टू डू R3 goes to R3 minus R1, ये तो ईजी है क्योंकि 2 minus 2 0, तो इधर तीनों जीरो आ जाएंगे यूजिंग दीज 3 ऑपरेशंस। बट हम ऐसा करेंगे नहीं, सोचो क्यों, ऑल्दो इट इज करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट है, फाइनल आंसर यू विल गेट इट करेक्ट, बट हम इसलिए नहीं करेंगे। द रीजन इज, व्हेन यू विल अप्लाई दीज,
आर टू माइनस हाफ आर वन या फिर आर थ्री माइनस थ्री बाई टू आर वन, दीज टू, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, इन दोनों में ये फ्रैक्शंस आ गए। देखो हम प्रॉपर्टी का लगाते क्यों हैं, हमारा टारगेट होता है उसको चीज़ को सिंप्लीफाई करना, तो ये तो हम और कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं, ठीक है। ऑल दो जीरो आ जाएगा बट इधर भी तो हमारे फ्रैक्शंस आ जाएंगे इनकी मदद, इनके चलते, वो तो नहीं चाहेंगे ना, तो इसलिए वी विल अवॉइड दिस। ऑल दो वी कैन डू, वी विल गेट द करेक्ट फाइनल आंसर, अगर हमने कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं की तो फाइनल आंसर हमें सेम मिलने वाला है, बट हम क्यों करें, चांसेस है मिस्टेक होने के, बिकॉज इधर फ्रैक्शंस वगैरह आ गए। तो कोई बोलेगा फिर क्या करें सर, तो कोई बोलेगा कि सर हम इसको वन बना देते हैं, बिल्कुल वैसे कर सकते हैं। तो अब इसको भी वन बनाने के, अब मेथड टू, इसको इसमें से टू कॉमन ले लेते हैं, तो सम वन में राइट लाइक दिस पे, टू कॉमन लेने के बाद अगेन इट इज ऑल्सो गुड, नो इशू, टू ये हो गया वन, ये थ्री बाई टू, ये टू, ये फाइव बाई टू, और इधर हमारा एज इट इज वन टू थ्री सिक्स, और ये थ्री फोर फाइव टू, और टू फोर थ्री फाइव, बिल्कुल। अब हमारा क्या होगा, अब इसमें ऑपरेशन लगाते हैं, तो ये तीन एलिमेंट जीरो बनाऊंगा, तो वन ये हो जाएगा आर टू गोज टू आर टू माइनस आर वन, और आर थ्री गोज टू आर थ्री माइनस थ्राइस आर वन, और आर फोर गोज टू आर फोर माइनस ट्वाइस आर वन, तो इससे ये तीनों एलिमेंट जीरो हो जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। बट इसमें भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या है, अगेन इधर थोड़े से फ्रैक्शंस आ गए, ऑल्दो मैं ये नहीं बोल रहा, ऑफकोर्स इससे तो बेटर ही है ये, नो डाउट, बट फिर भी थोड़ा फ्रैक्शंस वगैरह आ गए, तो हो सकता है चांसेस हैं गलती होने के, ऑल दो वी कैन डू दिस ऑल्सो, ठीक है ना। अब बेस्ट मेथड देखते हैं हम, सबसे बेस्ट मेथड क्या होगा, तो मेथड थ्री, अब मुझे इधर वन चाहिए, क्यों, अच्छा वन क्यों ला रहे हैं ये सोचा तुमने, वन ला क्यों रहे हैं, वन इसलिए ला रहे हैं क्योंकि अगर इधर वन होता है ना, तो ये जो मल्टीपल होते हैं ना, वो हमें फ्रैक्शंस नहीं आते, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल तुम देख रहे हो ना, इधर आर वन के जो मल्टीपल्स आ रहे हैं वन माइनस थ्री टू, ये फ्रैक्शंस नहीं आ रहे, बट इधर फ्रैक्शंस आ रहे थे वन बाई टू थ्री बाई टू एंड सो ऑन, बिकॉज हियर इट इज नॉट वन। तो मेरा वन लाने से क्या होता है, इधर वन लाने से अगर इधर इंटीजर्स लिखे हैं तो वो इंटीग्रल मल्टीपल से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो मेरा टारगेट, मेन टारगेट क्या है, इधर वन लाना, उसके बाद फिर वो इधर जीरो बनाना, इधर जीरो बनाओ या फिर इधर जीरो बनाओ, वन एंड द सेम थिंग। तो इधर वन लाने का और क्या तरीका है, सोचो वीडियो पॉज करके, अब मैं आता हूँ उसके सॉल्यूशन पे। हम क्या कर सकते हैं, रो वन और रो टू को इंटरचेंज कर देते हैं, और हमें पता है कि अगर किसी भी दो रो को इंटरचेंज करेंगे तो हमारा जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू होगा दैट इज नेगेटिव ऑफ ओरिजिनल। तो हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू, दिस इज इंपॉर्टेंट, माइनस टाइम्स, अब इधर मैं लिया वन टू थ्री सिक्स टू, मैं इन दोनों रोज को इंटरचेंज कर दूँ, टू थ्री फोर फाइव, थ्री फोर फाइव, टू टू फोर थ्री फाइव, अब इधर वन आ गया ना, फिर तो नॉर्मल है। फिर हम क्या करेंगे, अब इन इसके लिए भी लिख लेते हैं, तो आर टू गोज टू आर टू माइनस ट्वाइस आर वन, आर थ्री गोज टू आर थ्री माइनस थ्राइस आर वन, एंड आर फोर गोज टू आर फोर माइनस ट्वाइस आर, बस उसके बाद ये तीनों जीरो हो जाएंगे, रो वन कॉलम वन के रिस्पेक्ट में ओपन कर देंगे, दैट इज इक्विवेलेंट टू थ्री क्रॉस थ्री डिटरमिनेंट। और उसमें भी क्या करेंगे, थ्री क्रॉस थ्री आ जाएगा ना, मान लो ये क्या आएगा, दिस विल बी, ऐसा करने के बाद ये ऐसा आ जाएगा, कॉलम वन के थ्रू ऑपरेट करेंगे तो वन इंटू सम थ्री क्रॉस थ्री डिटरमिनेंट। अगेन उसमें क्या करेंगे, हम इन दोनों एलिमेंट्स को जीरो बनाएंगे, तो फिर वो किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, सिंपली सम नंबर इंटू एक टू क्रॉस टू, और इसका तो आसान होता ही है। तो प्रॉपर्टीज इसलिए लगा रहे हैं जस्ट टू रिड्यूस द ऑर्डर, सो दैट कैलकुलेशन हमारी कम, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए दिस मच इज सफिशियंट, आज हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की है, आज केवल प्रॉपर्टीज पढ़ी है, ठीक है ना। तुम लोगों का टास्क होगा प्रॉपर्टीज एकदम टिप्स पे होना चाहिए, तो अगर टिप्स प्रॉपर्टीज टिप्स पे रखोगे तो उसका एप्लीकेशन मतलब जो अप्लाई करोगे तो आसानी होगी, ठीक है ना। और विदाउट प्रॉपर्टीज यू कैन नॉट सॉल्व एडवांस लेवल क्वेश्चंस, ओके। सो दैट्स इट टुडे, आज के लिए, और फिर कल मिलते हैं, हम पूरा प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर, ठीक है, ओके, थैंक यू।